तो आज हम चने के बारे में जानने वाले हैं कि आयुर्वेद में चने के बारे में क्या बोला गया है, कि आप जो देसी जना जो खाते हैं उसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, और वही जना अगर आप भिगो देते हैं तब उसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल चने के बारे में बात कर लेते हैं कि यह जो नॉर्मल चना है उसके गुण क्या है, उसकी तासीर क्या है, उसके फायदे क्या है। अब जो नॉर्मल चना जो कि काला चना होता है वह होता है रूक्ष यानी कि ड्राई। उसे खाने से शरीर में रूक्षता आती है, वह वात को बढ़ाता है। वात के साथ साथ यह हमारे शरीर में पित्त और कफ को नाश करेगा, यानी कि यह पित्त और कफ नाशक है। इस चने के बारे में एक लाइन कही गई है कि यह हमारे पेट में गैस बनाता है, यानी कि यह हमारे पेट में वायु बनाता है। प्रैक्टिकल करके देखना, एक बार आप इस चने को सिर्फ ऐसा ही खाएं, यानी कि इसको भिगोकर नहीं खाना है, उस टाइम पर आप देखेंगे कि आपका पेट फूलने लगा है। सूखे चने के बारे में ऐसा कहा गया है कि सूखा चना शुक्र नाशक है, यानी कि सूखा चना पुरुषत्व शक्ति के लिए हितकारी नहीं है। हालांकि सूखा चना आपको ताकत देगा, आपका रंग निखारेगा, लेकिन यह शुक्र नाशक है। अब इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि आप चने का सेवन करके आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे। इसके और फायदे जाने तो यह हमारे गले के लिए हितकारी है। सूखे चने खाने से यह हमारी भूख बढ़ाता है, हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। अब बात करते हैं इसके उल्टे यानी कि भीगे चने के बारे में। अब जैसे कि हमने सूखे चने के बारे में जाना था कि सूखा चना होता है कफ को नाश करने वाला, लेकिन वही अगर हम भीगे चने के बारे में जाने तो यह भीगा चना होता है कफ को बढ़ाने वाला। वही सूखा चना होता है वेट लॉस करने वाला, लेकिन भीगा चना होता है वेट गेन करने वाला, शरीर को बढ़ाने वाला। यह खाने में अच्छा लगता है और यह शरीर की ताकत बढ़ाता है। यह तासीर में ठंडा होता है, वात और पित्त का नाश करने वाला होता है। वात यानी कि यह जोड़ों के दर्द, कब्ज की प्रॉब्लम, शरीर में ड्राइनेस आने लगी है, यह होती है वात की प्रॉब्लम। यह पित्त नाशक है यानी कि आपको बहुत गर्मी लगती है, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी है तो यह गर्मी को शांत करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुरुष तत्व के बारे में, यानी कि सूखा चना खाने से पुरुष तत्व कम होता है तो इसके लिए क्या करें। सबसे पहली बात कि आपको सूखा चना खाना ही नहीं है, आपको खाना है भीगा चना, और उस भीगे चने में आपको थोड़े से मुनक्के डाल देने हैं, थोड़ी सी किशमिश डाल देनी है। वैसे अगर सही जाने तो भीगा चना ही काफी है, यानी कि अगर आप सिर्फ भीगा चना ही खाते हैं तो वही आपकी सभी धातुओं को नरिशमेंट दे देगा। आप चाहे तो भीगे चने में थोड़ी सी बादाम डाल सकते हैं, थोड़ी सी किशमिश डाल सकते हैं, थोड़े से मुनक्के डाल सकते हैं, और सबसे सस्ती यानी कि मूंगफली डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।